वेलकम क्लास। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी, उनको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम को याद रखने और रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो सी को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिक की हेल्प से आप कैसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम को आप याद रख सकते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ऐसे ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं उनको हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। एंटी मीन्स विरोध करना, अपोज करना। किसका अपोज करेंगे? एसिटाइल कोलीन न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी का। एसिटाइल कोलीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है, और इसके रिसेप्टर्स निकोटिनिक और मस्कैरेनिक रिसेप्टर। इन रिसेप्टर का नोमेनक्लेचर कैसे किया गया है? इस रिसेप्टर से निकोटिन बाइंड होता है जो कि हमें टोबैको तंबाकू से मिलता है। तो ये रिसेप्टर के सबटाइप्स होते हैं NN और NM, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट NM रिसेप्टर पे काम करते हैं। मस्कैरेनिक एक एल्कलॉइड होता है जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। इसमें सबटाइप्स होते हैं M1, M2, M3, M4 और M5। M4 और M5 रिसेप्टर की एक्टिविटीज अभी रिपोर्टेड नहीं की गई है। मोस्टली M1, M2 और M3 रिसेप्टर से एसिटाइल कोलीन बाइंड करता है और अपने एक्शंस को शो करता है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम को याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, MY माय प्रो साइकल। ये जो MY है ये माइड्रियासिस को शो कर रहा है। माइड्रियाटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि माइड्रियासिस कॉज करते हैं। माइड्रियासिस क्या होती है? ये हमारी आंख है, आंख में ये पुतली है। ऐसे ड्रग्स जो कि इसको चौड़ा कर दे, इसके डायमीटर को बढ़ा दे, उन ड्रग्स को हम माइड्रियाटिक्स कहते हैं। तो माइड्रियाटिक ड्रग्स का एग्जांपल है प्रोपिका माइड, प्रोपिका माइड, और नेक्स्ट ड्रग है साइक्लो पेंटोनेट। ये दोनों ड्रग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं और ये माइड्रियासिस कॉज करते हैं, इनको हम माइड्रियाटिक्स भी कहते हैं। और ये हमारी आईज में स्मूथ मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स। सर्कुलर मसल्स ऐसे सर्कल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और रेडियल मसल जो इस टाइप से होते हैं। तो ये स्मूथ मसल्स पे एसिटाइल कोलीन जब काम करता है तो माइड्रियासिस कॉज करता है। माइड्रेसिस का अपोजिट होता है मियोसिस। मियोसिस मीन्स होता है आंख की पुतली का टकरा हो जाना, इसका छोटा हो जाना। तो ऐसे ड्रग्स जो कि पुपिल के साइज को बढ़ाएंगे उनको हम माइड्रेटिक्स कहेंगे, और ऐसे ड्रग्स जो कि पुपिल के साइज को छोटा करेंगे उनको हम मियोसिस कहेंगे। तो आंखों की डायग्नोसिस में इस टाइप के ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इस तरह के ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ग्लूकोमा में आई में इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से ड्रेनेज सिस्टम के ब्लॉकेज की वजह से आंखों में प्रेशर बढ़ता है और विजन ब्लर्ड होता है और आंखों में पेन होता है। तो ग्लूकोमा जैसी मेडिकल कंडीशंस में, क्लिनिकल कंडीशंस में हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की हमने डेफिनेशन देखी, एसिटाइल कोलिन के हमने रिसेप्टर्स देखे, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कैरेनिक रिसेप्टर, और निकोटिनिक रिसेप्टर के सब टाइप्स और मस्कैरेनिक के टाइप्स। हमने देखा माइड्रियासिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। तो इस ड्रग को हम इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, माय प्रो साइकल, प्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट। नेक्स्ट है आपका एसिड ड्रग्स जो कि पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज मोर देन 60 है, मोर देन 70 है, उनके हैंड्स में सिवरिंग होने लगती है, हेड्स में सिवरिंग होने लगती है, तो उस केस में हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको हम एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग कहते हैं। तो इन ड्रग्स के नाम को आप याद रख सकते हो इस फॉर्मूले से, बाई प्री प्रो। तो इसमें ये बाई से आप याद रख सकते हैं बाई पेरिडेन, और प्राई से आप याद रख सकते हैं ट्राई हेक्सी पेनिल पेनिडीन, ट्राईहेक्सी पेनिडिन। तो इस तरह से आप इस ड्रग को रिकॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक और एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स के एग्जाम्पल देखे, और इन एग्जाम्पल को हम किस
निमोनिक से याद रख सकते हैं, और माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, और एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स हमने देखे।